प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत शिवपुरी में हुई धोखाधड़ी। लोन देने के नाम से 39,000 ठगे। शिवपुरी की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले फतेहपुर शिवपुरी पब्लिक स्कूल के सामने मास्टर कॉलोनी में रहने वाले युवक ने आज कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। वहीं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत उससे 39,000 रुपये की ठगी की गई है। कोतवाली थाने युवक ने शिकायत दर्ज कराई है। मोनू नामदेव, शिवपुरी। क्या नाम है तुम्हारा? गिरिराज ओझा। कहाँ से आए हो? फतेहपुर। क्या से शिकायत लेके आए हो आप? मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। किस चीज को लेकर? मुद्रा लोन के लेकर। कैसे, मतलब क्या कुछ पूरा मामला है? धोखाधड़ी कैसे क्या हुई है? मैंने पोस्टर लगा हुआ था गर्ल्स स्कूल के पास। ठीक है, किस चीज का पोस्टर था? मुद्रा लोन के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? उस पर एक नंबर लिखा था, वो नंबर पर मैंने कॉल किया। मुझको कॉल आया दोबारा दूसरे दिन, उनने कहा आपके डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए। मैंने डॉक्यूमेंट सेंड करे, उन्होंने बोला कि प्रोसेसिंग फीस के लिए 1500 रुपये दीजिए। फिर मैंने 1500 रुपये दीजिए, फिर उन्होंने एक मुझे वो भेजा, वो क्या बोलते हैं उसको, QR कोड उसको। हाँ। मैंने सेंड कर दिए। तो लगभग कितने रुपए आपने ऐसे ही करके सेंड कर दिए उनको? मैंने उनके लिए 39,000 रुपये सेंड कर दिए। तो आपने लोन किस चीज़ के लिए आपने मांगा था? मैंने लोन लिया लेना चाहता था सेंटरिंग बनवाने के लिए। लेकिन आपको कैसे पता चला कि आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है? मैंने 39,000 के बाद में मैंने एक दोस्त से कहा कि मुझे ऐसे ऐसे पैसों की ज़रूरत है, तो उसने कहा कि आप जमा मत करिए, ये आपके साथ धोखाधड़ी हुई। आज शिकायत SP से कोतवाली जाके शिकायत कीजिए। कोतवाली आपने ये आवेदन दिया, आपको क्या आश्वासन मिला है? वो कह रहे थे कि आपकी जाँच की जाएगी।